दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार भी दीपावली के लिए सजने लगे हैं। पटाखों और दूसरे कारणों से आग की घटनाएं अक्सर हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते फायर विभाग की 8 मोटर फायर वाटर वैन लगातार गश्त पर रहेंगी। साथ ही विभाग ने जल संस्थान के सभी ओवरहेड टैंकों पर फायर टैंक में पानी भरने के वाटर आउटलेट बनवाए हैं, जो आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। हमारे पास 8 मोटर फायर इंजन है। वाटर बॉक्स में एक गाड़ी हमारी परमानेंट खड़ी रहती है। शहर की स्थिति को देखते तथा जितने ओवरहेड टैंक हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन पर हमने वाटर आउटलेट लिए बनवाए गए हैं जल संस्थान द्वारा, जिससे कि किसी भी मेजर फायर पर हम समय से पानी ले लें और आग पर समय से कंट्रोल कर लें। हमारे पास जो 3 दिन के लिए हमारे यहाँ लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लाइसेंस की रिपोर्ट लगती है, केवल जारी तो नहीं किए जाते, डीएम साहब के द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु उस समय एहतियात के तौर पे हमारी जगह जगह फायर यूनिट लगेंगी।